अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और हमें मिस किया होगा आप लोगों ने। तो आज सुबह सुबह हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो सबने नाश्ता कर लिया है। तो हम लोग दोपहर का सोच रहे थे कि क्या दोपहर को बनाएं। तो हम अब्बू ने बोला कि देसी मुर्गियाँ बनाते हैं दोपहर को, जो हम लोगों ने घर में पाली हुई हैं। तो वो अब्बू लोग काट रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं बाहर आई हूँ तो अब लोग बना रहे हैं, मुर्गियाँ काट रहे हैं। ये देखिए, एक मुर्गी इसको साफ कर ली है। अब दूसरी मुर्गी को आपके भाई लगे हुए हैं। हेलो बोलो। हेलो। ये देखिए, और मुर्गा हमारा देख रहा है, मुर्गियों को ज़बा कर दिया उनके साथियों को। ये दूसरे घूम रहे हैं, दाना खा रहे हैं। आप भी कुछ बोलें। अफसोस हो रहा है, मेरी तीन मुर्गियाँ जिबा हो गई हैं। और क्या बोलूँ मैं, आप सुबह सुबह उनको जिबा कर रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं साथ में। आपने खानी है, कुछ तो करना पड़ना है। देखने में इतनी इतनी मोटी थी, जब ऊपर से उतारा तो इतनी इतनी निकली बीच में। वो देसी मुर्गी, किलो भी नहीं होगा एक मुर्गी जो है। वो देसी मुर्गी है ना, इस वजह से। ये देखिए, अब जब बनेंगी फिर आपको हम दिखाएंगे और खाते वक्त दिखाएंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? जो हम सुबह मुर्गियों को ज़बह कर रहे थे, हम उनका पुलाव बनाने लगे हैं। अम्मी बना के खिलाने लगी है हमें। ये देखिए, अम्मी ने प्याज ब्राउन कर रहे हैं काट के। तो अम्मी हमें बताएंगे कि वो क्या क्या डालेंगे इसके अंदर और कैसे बनाएंगे। ये देखिए, अम्मी के प्याज ब्राउन हो गए हैं। ये तड़का भून रही हूँ, प्याज रेड कर रही हूँ। जब प्याज रेड हो जाएंगे तो ये थूम, अदरक और ग्रीन मिर्च पीसी हुई है, इसमें काली मिर्च भी है, ये टमाटर है, नमक और मिर्च है, वो हमसे मिक्स हो गई है। ये इसका जो सुसर और सास है ना, उसको ब्लड प्रेशर भी है, इसीलिए नॉर्मल खान चावल बनाएंगे, स्पाइसी नहीं, नॉर्मल जो होते हैं। ये डाल दिए, इसको गोश्त में, गोश्त को भूनेंगे क्योंकि इसकी स्मेल जो ख़त्म हो जाए। पहले इसको उबाला है, पकाया है, अब इसको तड़के में डालेंगे। ये है देसी मुर्गी का पुलाव। ब्लैदर नहीं हम खाते, हमें पसंद नहीं है। ये घर मुर्गे रखे हुए हैं, जब जी चाहता है हलाल कर लेते हैं, और जो बनाना चाहे वो बना लेते हैं। जब पकेगा फिर आपको भी खिलाएंगे, आप तैयार रहना। या सास इसकी, इसको बता रही भी कैसे पकाने हैं, जब मैं ना होंगी ये खुद ही पकाएगी। कभी नहीं होती ना, कभी कहीं मेहमान चली जाती हूँ,
करे, ये केली है ना, केली ने खुद ही करना है सारा काम। अम्मी मुझे ट्रेन कर रही है हर चीज में। वो तो इमली आंदी ही पिला च पाऊंगी। चलो ये अभी चावलों में पानी डाला है, चावलों जितना है ना अम्मी, अम्मी ने अभी ठहर के हम लोग इसमें डालेंगे चावल। ये हमने भिगो के रखे थे चावल। ये पानी निकाल के हमने चावल अंदर डाल दिए। अभी तक हमने चावलों में पानी डाला है तो हम जाएंगे अभी रायता बनाने, तो फिर आन के दम देंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग अंदर रायता बनाते हैं, ये आपके भाई दही लेके आए हैं बाज़ार से। तो ये मैंने चटनी बना के रखी थी, पुदीने की है और ग्रीन मिर्चों की है, टमाटर्स की है, ये सारी हमने चटनी बना के रखी है क्योंकि हमारे घर में शौकीन है चटनी खाने के। तो ये देखिए हम लोगों ने चटनी बना के रखी है। अब इसके अंदर डालेंगे हम दही के अंदर चटनी, हम इतनी नहीं डालेंगे, कम डालेंगे क्योंकि मैंने आपको रायता बनाने का तरीका बताया था वीडियोस में, तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको रायता मीन्स की दो किस्म का बताया है बनाना। ये देख बन गया। अभी अम्मी की तरफ जाएंगे हम लोग कि अम्मी का कितना कुक रह गया चावलों का। ये हमने सिंपल दही पे रखा है, किसी ने खाना है या नहीं खाना, वो सिंपल भी दही है और रायते वाला भी है। हम अम्मी की तरफ जाएंगे कि अम्मी का कितना कुक रह गया काम। हाँ जी अम्मी किधर तक रह गया, कितना 5-10 मिनट लगेगा। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो रहा है इसके अंदर से। ये देखें हमारे चावल रेडी हो गए हैं पुलाव। ये देखिए ये अम्मी ने दम नहीं लगाया जो मैंने बोला था कि हम लोग दम लगाएंगे। नहीं वैसे ही चावल अच्छे बन गए, दम की जरूरत ही नहीं है, इतनी प्लास्टिक है चावल बनाने की। ये देखिए हमारे चावल हो गया रेडी, अभी हम लोग अंदर जाएंगे और प्लेटों में डालेंगे और आपको दिखाएंगे। और हम लोग ये देखिए लेके बैठ गए हैं, चावल बने हैं हमारे पुलाव, टू टेस्टी, और रायता वगैरह ये देखिए। तो हम लोग अभी खाएंगे, मैं आपको खा के बताती हूँ कैसे बने हैं। चल बार ये
मुंह पानी ना खाने को पानी अखा के भी पानी बच्चे दो दो कतरे टू टेस्टी अम्मी ने बनाए हैं जो देखें आपके भाई भी आ गए हैं वो खा के बताएंगे कैसे हैं। सलाम अलैकुम वहां से रोशनी आ रही है कैसे हैं भी आपके भाई खा के बताएंगे। हाँ जी ये लेग पीस है जो आज हमने सुबह सुबह किया है देसी मुर्गी का मजा आ गया। ये अम्मी के हाथ में तो वैसे ही जादू है जादू है हर माँ के हाथ में होता है रहता उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी। लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें और दूसरों को भी कहें सब्सक्राइब किया करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं अगली वीडियो में।